इसराइल अपने इनोवेटिव हथियारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गाजा पट्टी में मौजूद हमास आतंकियों की सुरंगों को बंद करने के लिए इसराइल ने एक नया हथियार खोज निकाला है। ये एक खास तरह का बॉम्ब है जिसका नाम है स्पॉन्ज बॉम्ब। इसमें से विस्फोटक नहीं झाग निकलता है। आइए जानते हैं इस बॉम्ब के बारे में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आतंकियों की सुरंगों को बंद करना, क्योंकि इन्हीं का फायदा उठाकर हमास आतंकी भाग निकलते हैं और छिपकर गोरिल्ला वॉर करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं सुरंगों में वो अपने हथियार छिपाते हैं, वहीं से रॉकेट दागते हैं, रॉकेट और हथियारों के जखीरे को स्टोर करते हैं। इजरायली ग्राउंड अटैक के दौरान सबसे बड़ा काम अब यही है कि सुरंगों को बंद किया जाए। साधारण मिट्टी या कंक्रीट से सुरंगों को बंद करने में काफी ज्यादा समय और पैसे की बर्बादी होगी, इसलिए गाजा पट्टी में हमास आतंकियों की सुरंगों को बंद करने के लिए इजरायल अब स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल शायद पहली बार होने जा रहा है। इसके विस्फोट से धमाका नहीं होता, लेकिन ये जहां फटता है वहां ढेर सारा झाग निकलता है जो बाद में पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। यानी इन बमों को सुरंगों में फोड़ा जाए तो सुरंग पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। वहीं इसके कंक्रीट को तोड़ना भी आसान नहीं होता। स्पॉन्ज बॉम्ब प्लास्टिक की बोरी में बंद होता है जिसमें दो अलग अलग केमिकल होते हैं। इन केमिकल को एक धातु की प्लेट या रॉड से अलग रखा जाता है। रॉड हटाते ही केमिकल आपस में रिएक्ट करके झाग वाला लिक्विड इमल्शन बनाता है। ये हवा के संपर्क में आते ही तेजी से फैलता है और सख्त होता चला जाता है, इसलिए इससे सुरंगों को तुरंत बंद किया जा सकता है। हमास आतंकियों ने बंधकों को भी सुरंगों में ही छिपाया हुआ है। इजरायली कमांडो सुरंगों की तलाशी लेते समय एक तरफ से सुरंग में ये बम फोड़ते चले जाएंगे ताकि सुरंगें बंद होती चली जाएं। इस बम में मौजूद केमिकल बेहद रिएक्टिव हैं, लेकिन सख्त होने के बाद इसे तोड़ना आसान नहीं होता। एक बार सुरंगें बंद हो गईं, तो उन्हें दोबारा खोलना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिकी सेना ने 1990 के दशक में सोमालिया में दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रास्टिकी झाग वाली गोलियां दागी थीं। इन गोलियों से निकलने वाला झाग दंगाइयों के हाथ पैर को बांध देता था, जिससे वो बिना जख्मी हुए गिर जाते थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।